bells and Christmas trees, gift wrapping and cheer. We are going to the moon! And you are joining us, or else. Oh my god, you crazy kid. So guys, this is an example of a perfect tourist. ये दूसरे देशों जा के होटल के रूम जो निकलते नहीं हैं एंड उस देश के दर्शन टीवी पे करते हैं यईद राशिद खलीद कितने बोल लेंगे ना बहुत ज्यादा इस देश का लुत्फ उठा रहे हैं रात 4 बजे वापस आए हैं इसलिए बेचारे थोड़े आराम करें दुबई कभी सोती नहीं है ना दुबई में ओके सो आज के दिन के लिए मैं रेडी होने वाली हूँ आज हमारा आखिरी दिन है रेडी होने वाली नहीं हूँ ऑलरेडी हो चुकी हूँ हेलो प्यारे दोस्तों गुड मॉर्निंग आज के दिन के लिए मैं रेडी हो रही हूँ आज हमारा आखिरी दिन है और आज हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड सो हम लोग शुरुआत करते हैं जल्दी से रेडी हूँ ऑलमोस्ट मैं बस थोड़ा सा सेटअप करना है अपना आई थिंक आई हैव टू सेट यू गाइस समवेयर हियर आई डोंट नो इफ दिस एंगल इज व्हाट मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है फिलहाल मेरा मेकअप से ऑलरेडी डन है पर मेरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ मॉर्फी का ये पाउडर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिड है और सारा दिन ऐसा रहे और क्योंकि पूरा दिन हम बाहर स्पेंड करते हैं आई वांट कि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने पर उससे पहले मैं ना पाउडर फाउंडेशन से भी अपने फेस को सेट करने वाली हूँ ये है सेफोरा का पाउडर फाउंडेशन इससे मेरे मेकअप को थोड़ा सेट कर लेंगे एंड देन इसको लॉक करेंगे हम लूज़ पाउडर के साथ वैसे वो मैं स्टेप को स्किप करती हूँ बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिड है एंड मुझे मास्क भी पहनना पड़ता है अगर सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ सब हम लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर का खलारा बहुत पैदा है खूब सारी अमाउंट में लगा दूँगी लेटर आई विल रिमूव इट नेक पे लगाना बहुत ज़रूरी है सो पाउडर के साथ मेरा ब्लश को आ गया है उसे हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ब्लश कम नहीं होना चाहिए राइट ओके सो मैं मेरी टॉयलेटरीज को ना ऐसे एक बैग में टंग लेती हूँ सो आई एम ऑलमोस्ट डन अब मुझे लिप्स के लिए कुछ करना है मेरे बालों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो धोने वाले हैं एंड आज मैं सोना या आज मैं स्पा में जाना चाहती हूँ एंड स्विमिंग पूल में तो बालों को मैनेज करने का कोई फ़ायदा नहीं कल करेंगे क्योंकि कल हमें वापस जाना है सो इसको ऐसे रहने देते हैं सो लिप्स के लिए क्या करें ओके लिप्स पे हम लगाएंगे हुडा का बॉम्बशेल एंड लिप लाइनर के लिए यूज़ करूँगी मैं मॉर्फी का हनीमून यहाँ पे ना सॉरी रेडी होने के लिए बहुत प्यारा सा शीशा है जिससे मैंने काफ़ी मदद की है पिछले होटल में नहीं था बहुत मुश्किल हुआ मुझे और इस वॉशरूम की लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सो हुडा की बॉम्बशेल के साथ फिल करेंगे हुडा की बॉम्बशेल लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है एक बार मैंने की है पर ये एक्चुअली मुझे लगता है पिलो टॉक का लिक्विड वर्जन है पर थोड़ा सा डीप है उससे या फिर इसका डूप ना एसेंस के लिक्विड लिपस्टिक्स में है मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कौन सा है वो बट एंड वाइल्ड के मोर गिव मी मौका के जैसा भी है क्योंकि आज हमें ना काफ़ी वॉक करनी है एंड सन में रहना है तो मैंने सोचा कि आज मैं वाइट आउटफिट पहन लेती हूँ सिंपल लाइक वाइट पैंट्स के साथ टॉप ड्रेस नहीं पहनूंगी आज मैं लेट्स सी फिट फर्स्ट आउटफिट पहनने के बाद आपको मिलती हूँ
हम लोग रेडी हैं और हिम्मत आया है पूल में उसको लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो आएगा नहीं। उसे पानी से निकालना मछली को पानी से निकालने के बराबर। राइट डैडी किधर जाना? Let's take it to the start. It was just me and my guitar, a dreamer on the road, no map, just all those stars. I never backed away, I played where I could play. Loneliness befriended me, felt older than my age. I let go a little, I fell for something new. It was sweet for a moment, this love I never knew. He called me little dreamer and said I'd be okay. I let go of my ambitions and promised him I'd stay. Now all of my dreams are floating like a river in my head. At night in bed, talking to myself so wide. Okay, finally हम लोग रूम से बाहर निकल चुके हैं। सबसे पहले हम खाएंगे ब्रेकफास्ट एंड हस्बैंड आज हमें लेके जा रहे हैं अरेबिक ब्रेकफास्ट में। हिम्मत छोले भटूरे खा खा रचता नहीं है, हस्बैंड मेरा बंगाली साउथ इंडियन खा खा रचता नहीं है। आज देखते हैं क्या क्या शेफ है पेश करते हैं ये। सो आई एम गोना शेयर विद यू छोले भटूरे पार्किंग करके तो उन्होंने पूछा लगा उन्होंने लगा कि तू ही पार्किंग करके किश्ती से चल रहे हाँ कभी वापस ही नहीं आना हूँ। ओके सो ये है रेस्टोरेंट, नाम पता नहीं किया पर गर्मी बड़ी है पर हमें सड़ गया दिल सिर एंड एवरीथिंग। सो दिस डूड इज वॉकिंग and pictures beside her and I'm still here learning how to live without you. It's not that easy, it's hard to believe that you're over me. Tell me, is it real love or is she just a shortcut? Was being alone too much that you had to find a shortcut, a shortcut? I've tried everything but there's no way around it except for just one, but it seems like you found it. You moved on too fast without looking back, but I'm better than that. Tell me, is it real love or is she just a shortcut? Was being alone too much that you had to find a shortcut? Welcome to Dubai, guys! ओके सो हमने ना ये रेस्टोरेंट में अपना फूड ऑर्डर कर दिया है, बहुत ही मज़ेदार है। मुझे लगा पहला टाइम है कि मैं अरबिक एंड इजिप्शियन ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ एंड बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पति के भाई को सेल्फी लेने का बहुत शौक है, सारा दिन सेल्फियाँ लेता रहता है। सो हमारा खाना आ चुका है, ये है इजिप्शियन ब्रेकफास्ट, इसमें अंडे हैं, हम्मस है और कोई सॉस है, चीज़ एंड टमेटो, फ्राइज, फलाफल एंड ये भी है कुछ आई डोंट नो और अभी हस्बैंड ने ली है अरेबिक। स्टिल वेटिंग फॉर दिस। आई नीड सैनिटाइजर प्लीज।
ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਸਮੇ ਗਾਇਸ ਇਹ ਜੈਮ ਹੈ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਰੋਜ਼ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਲਾਬੋ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇਖੋ ਬੈਸਟ ਕਲੀਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਥਾ ਪੱਟੀ ਮੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਆਇਆ ਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੱਟੀ ਮੇ ਮਸਾਲੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਕੇ ਮੀਲ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡਸ ਥੀ ਲਾਈਕ ਮਸਾਲਾ ਅਚਾਰ ਜੈਮ ਤੇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਥਾ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇਟ हमारे ये इजिप्शियन है ना तो इसमें एक बैंगन की लाइक करी बोलेंगे उसको या कोई साइड थी जो बिल्कुल आलू बैंगन जैसी थी और ये एक राजमा की करी किस्म की थी बहुत मज़ेदार थी चट्टम होगी हमारी प्लेट हिम्मत को उन्होंने ये ड्रॉ करने के लिए दे दिया बहुत ही खुश था पूरी रीज के साथ ड्रॉ कर रहा है वो हिम्मत तेरा मील गुड सी की गुड सी इधर वेख ओ अच्छा ही मैंने पहली बार ट्राई किया डेट सिरप क्योंकि इज ऑलवेज यू ईट मेपल सिरप राइट सो डेट सिरप कितना था ही जस्ट टेस्टिंग लाइक मेपल सिरप सो गाइस काफ़ी खूबसूरत बाजार है ये आपको सारे पौधे मिल जाएंगे हेलो दोस्तों तो ये है एक बहुत ही प्यारा और रिलीजियस सा बाज़ार यहाँ से आपको पूजा की सारी सामग्री मिल जाएगी तुलसी के बूटे एंड बनना मेरी वीडियो नहीं बनना टंग डंग 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 ओके दोबारा सो यहाँ पे आपको तुलसी के बूटे पूजा का सामान गेंदे के फूल एंड हार एंड गजरा पति को इम्प्रेस करने के लिए आका गरिया ओ ये तो वो आ कान्हा जी के कपड़े अच्छा सो हमें यहाँ पे बोट में बैठ के इसके पार जाना है क्योंकि गोल्ड सूप मार्केट में जाना चाहते हैं हमें एक शॉपिंग करता हुआ शॉपर मिला है शॉपर कितना 25 टू मच आई नो मैं कनेडियन ना और तेरे करदा नहीं है ना मजबूर ही तू पता है ठीक है ये पीस आपके पास काला रंग है कलर अच्छा कलर है वो चलते है कलर काला है काला भी काला चाहिए काला दे काला चाहिए ओके सो हस्बैंड ने खरीदा है ये एंड वो हेल्प ले रहे हैं बनाने के लिए हबीबी बन गया हबीबी
और बाल्टी बाल्टी शॉपलिफ्टिंग आए सादा बंदा हबीब बन गया है और चूमता फिर रहा है बाजारों में. ही इज फीलिंग लाइक शेक एंड ही इज फीलिंग लाइक इसने जिन कौन ने बिकी बिकी अरे घर से जाएगा तो अंडे गरम मारेगा. हम तो अंडे गरम मारेगा हां डैडी एक ले लो बहु आइस मिला चाहिए. कैन यू पुट आइस इन दिस प्लीज थैंक यू. दो टेस्ट करके दस्यो मेरे फर मीठा इंडिया वर्ग पूरा मीठा है इधर चा के फैन ला के इतने छाड़ो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਿਰਛੇ ਕੱਟ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਸ ਜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸੜੀ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਨ ਦਾ ਵੇ ਬੈਕ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬੋਣੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆ ਆਪ ਲੈ ਲਓ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਿਲ ਥਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੋੜ ਤੇ ਬਰਾਦ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੂਣੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬੂਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ 20 ਵਜੇ ਵੇਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬੂਟ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆਏ ਲਾ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਜੇ ਗਰੀਦਾ ਵੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ लकड़ी का बहुत ही प्यारा है मुझे अच्छा लगा मैं लेना चाहती हूँ पर मेरे पास वेट की बहुत ज्यादा कमी है तो हस्बैंड नंबर ले रहे हैं कि मैं जानते टाइम ले लूँ. आपको पता है मुझे वुड की चीज़ें कितनी पसंद है और ये पाकिस्तान से हैं और इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है ये तो हम लेना चाहेंगे पर ऑन द वे बैक नॉट टाइम नाउ. कसम खुदा दी दुबई चलना ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਲਾ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 올ਡ ਸੂਫ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ 올ਡ ਸੂਫ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਚ ਇਹ ਅੱਥਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਗਾਇਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ 60 ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 올ਡ ਸੂਪ ਚ ਇਹ 올ਡ ਸੂਪ ਹੈ ਤੇ 골ਡ ਸੂਪ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਗਲਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹਬੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਦਾ ਚੱਪੜਿਆ ਪਿਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਕੋਚ ਦਾ ਹੈ निशान पक्का पवा लेना नक से मैं तुम छोड़ देना बिच ओके सो हम पहुंच गए किश्ती में एक आर से दूसरे पार जा रहे हैं एंड एक बाजार देख लिया है हमने अब दूसरा देखेंगे जो हमने ऑलरेडी देख लिया है पर हस्बैंड अपने भाई को दिखाना चाहते हैं एंड कुछ नन्नी मनी सी चीज़ें खरीदना चाहेंगे वैसे ही फॉर फन. सो हस्बैंड ने बहुत ही अपनी तैयारी कर ली है अगर मैं लोकल बनूँगा बड़े लोकल
So Himmat got a friend, he's taking him to the gold suit. Is it right, Himmat? लंबा सफर है. What are you guys doing, Himmat? Such a shame you had to meet me on a day like this. I think I've gone insane, crossing names right off my drop dead list. They won't be missed. Am I turning sour? Used to be so sweet. If confidence is power, then it's all in me. Oh, I feel it taking over up and under my skin. Usually a baddie, but today I'm just आप मुझे देख पा रहे होंगे. आज पूरा दिन हमने आलतू फालतू चीज़ें करने में स्पेंड कर दिया है. अब हम आए हैं बुर्ज खलीफा. एक्चुअली हम अंदर जाना चाह रहे थे पर इतनी ज़्यादा क्राउड है कि हमें जगह नहीं मिली है. तो मेरे हस्बैंड के पास इतने पेशेंस नहीं थे कि वेट करें पार्किंग के लिए, क्योंकि वो कल रात बहुत अच्छा सोए नहीं थे. तो फिर हम यहीं पर आए हैं, क्योंकि हमने तो देख लिया था ऑलरेडी बट हमें भाई को दिखाना था, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं. बहुत ही मज़ेदार यहाँ से व्यू है, यू गाइस कैन सी. एंड नाउ हम कुछ खाने के बारे में इंतज़ाम करने वाले हैं. थोड़ा हल्का फुल्का खाएंगे एंड जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि हमें कल अग्गे की सवारी पे जाना है, सफ़र पे जाना है. एंड पति बेचारे इधर उधर देख रहे हैं. अजय वो हबीबी बन गए हैं, यल्ला हबीबी. सो हम लोग अभी कुछ खाने के लिए जाएंगे. लेट्स गो गाइस. यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड है ना, और एवरी अदर वन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, और हर एक को हिंदी आती है. दुबई में रहते ना तो आप हिंदी से सर्वाइव कर सकते हैं. इंग्लिश उंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई हिंदी बोलता है यहाँ पे. समझता है, एटलीस्ट समझता तो है, बोलता भी है ही. सो यस, मैं जल्दी करने लगी. और दोस्तों यहाँ पे ना दुनिया सारी खींच रही है, ये ओल्ड अंकल भी खींच रहे हैं, ये क्रेजी हो गए. और कई लोग तो इतने क्रेजी हैं, मैं कितों लब के बताऊँ आपको. वो लंबे ही पै जाते हैं तक खड़े हो गए इतने ही आ गए. साढ़ा बंदा भी क्रेजी हो गया.
ओके ओके गाइस ए वाला बंद हो गया क्योंकि वीडियो फोटो खींच रहा है। सो यहाँ पे हो रहा है फाउंटेन शो एंड हिंदी गाना लगा उस पे। ओम शांति ओम होगी। लुक एट द क्राउड गाइस। तो ये है बहुत ही प्यारा सा खिलौने का दुकान। इसमें कोई एक पत्ती चीज लेने के लिए आया था पेंसिल भी है तो वही यहाँ आपके लगा देना। ओके गाइस बहुत ही एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग दिन एंड पति को मैं अपना सारा चोले चगाते हैं। एक तो तुरना इतना मुश्किल उतना इतना सामान लेके चलना इतना मुश्किल एंड मैंने अपने शूज भी उतारे नहीं। सो बहुत मुश्किल है दोस्तों व्लॉगिंग करना एंड गर्ल होना। गर्ल्स को इतनी चीज़ें चुकनियाँ पड़ती हैं बंदा बुर्ज खलीफा देख देख रचता ही नहीं। वेखी आंदा वेखी आंदा ढाना लगता इन्हें इन्हें अखा ने ढा देना। ओके दोस्तों बहुत ही मुश्किल के साथ हम बुर्ज खलीफा एरिया से निकले क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी क्राउड है और वहाँ पे जो सेल्फी वाले स्पॉट्स हैं वहाँ पे पिक्चर खिंचाने के लिए भी लाइनअप है और जहाँ से आपको टैक्सी मिलती है वहाँ पे भी लाइनअप है। मेरे सिर एंड पैर दोनों इतने बुरी तरह दुख रहे हैं ना। पहले हमने सोचा था कि दुबई मॉल के अंदर ही किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं पर देन हस्बैंड ने सोचा कि बाहर मैं आपको जो अच्छा सबसे प्यारा रेस्टोरेंट है वहाँ पे लेके जाता हूँ। सो हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। हमारा प्लान कैंसिल हो गया है पर बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये दुबई की जरा वेदर है ना चूस लेना गाइज आपको। मैंने तो लगा उन्हें स्ट्रॉ लाई दिया सिर चो मेरी सारी एनर्जी सारा कुछ काट लिया पानी पूनी डिहाइड्रेटेड पता नहीं क्या क्या फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि जब 50+ 60+ होता है टेम्परेचर तब दुनिया कैसे मैनेज करती है। अभी तो प्लेजेंट है ये वेदर। आई कांट। सो या दैट्स अप टू मैंने साडा होटल है तो 7 मिनट्स। सो ये हमारा लास्ट डिनर होने वाला है दुबई में और ये हम खाने वाले हैं। रेस्टोरेंट का नाम है अमृतसर किसी दोस्त ने रेकमेंड किया था एंड खुशी की बात है इन्होंने सिद्धू के गाने लगाए हैं और उन्होंने और हमारा हबीबी अपना रूप नॉर्मल रूप में आ चुका है और हबीबी को सुन भी रहा है। हबीबी वैसे सुनता नहीं चीज़ें इग्नोर कर देता हंस संडे और छोले भटूरे खा खा रच दें। और समय गाइस अराउंड हो चुका है 11 मे बी मोर देन 11 और कितने लोग डिनर करन दे नहीं लेट। आई कांट बिलीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज आई एम गोना सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखना। बाय लव यू।